हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेज इन अनादर एडिशन ऑफ योर माइंड मैप्स फॉर इंडियन पोलिटिकल थाट आज के माइंड मैप के अंदर हम बहुत ही कम टाइम के अंदर समझने की कोशिश करेंगे बुद्धिस्ट थॉट को पर्टिकुलरली बुद्धिज़्म बुद्धिस्ट थॉट का क्या रेलेवेंस है और किस तरह से एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती थी पॉलिटिकल थॉट के लिए इन एंशिएंट इंडिया राइट अगेन जस्ट टू लेट यू नो कि ये एक तरह से एक वीडियो है जो कि बॉयल डाउन कर देती है समझने के लिए क्या इंटरलिंकेजेस हैं ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द थॉट एंड साथ ही में क्विक रिविजन के लिए भी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बट अगर आपने आंसर्स लिखने हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट गो बियॉन्ड द माइंड मैप्स बिकॉज आपने स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स को इन्ग्रेन करना होता है क्रिटिकल एनालिसिस को जो है इंक्लूड uh, करना होता है सो दिस इज़ अ वीडियो टू अंडरस्टैंड एक तरह से बिगिनर्स के लिए एंड साथ ही में लास्ट मिनट रिविजन के लिए ये जो है बहुत बढ़िया होगी अगेन इफ़ यू वॉन्ट पी डी एफ्स या जो माइंड मैप्स हैं उनके आपको प्रिंट्स चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है फॉर पी एस आई आर पी एस आई फोर यू पी एस सी उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट दीज पी डी एफ्स राइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आखिरकार वॉट वॉज बुद्धिज पोलिटिकल थाट ऑल अबाउट ना सबसे पहले तो वी आर मेहता वेन ही टॉक्स अबाउट बुद्धिज्म ही सीज द लॉट ऑफ डिबेट विद रिस्पेक्ट टू कि क्या बुद्धिज्म के अंदर जेनुइनली कोई पॉलिटिकल थॉट था या नहीं आखिरकार जब सिक्स सेंचुरी के अंदर सिक्स सेंचुरी बीसी के अंदर बुद्धिज्म एंड जेरिज़म निकल के आए थे तो वो प्राइमरीली सीन एज फिलोसफिकल स्कूल्स एज स्कूल्स जो कि ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे द प्रॉब्लम्स द एक्सेस रिचुअलाइजेशन जो कि हिंदुज़्म कर रहा था राइट वी आर मेहता नाउ आर्ग्यूज दैट इवन दो बुद्धिज़्म है प्राइमारिल एक रिलीजियस फिलासफिकल स्कूल था बट इसके अंदर भी सर्टेन पॉलिटिकल हाइलाइट्स एंड टिल्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं हाउएवर एट द सेम टाइम जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड कैनन्स को पढ़ते हैं इंक्लूडिंग टेक्स्ट लाइक बुद्ध चरित्रा यहाँ पर जो है कई बार आपको कुछ पैराडॉक्सिकल uh, आइडियाज मिलते हैं ऐसे आइडियाज़ जो कि एट द फेस ऑफ इट एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ऑन वन हैंड क्योंकि बुद्धिज़्म की बात हो रही थी एंड अगेन यू हैव टू लुक एट द फैक्ट कि यहाँ पे जिस तरह से हिंदुजम के अंदर रिचुअलाइजेशन एक्सेसिव पोलिटिसन बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट्स टू द रूलर्स इन ऑर्डर निकल के आया था तो देर वॉज दिस आइडिया कि पॉलिटिक्स क्या है पॉलिटिक्स तो एक स्पेयर ऑफ डिसीट है लाइंग है ट्रेचरी है मिनिपुलेशन है एंड देफो इंट्रेंजिकली ही ये एक थोड़ा नेगेटिव स्पेयर है एंड देफो मंग्स जो कि इन परस्यूट ऑफ निबान आगे निकले हुए हैं उनको दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से एंड बाय दैट मैंडेट इनको दूर रहना चाहिए किंग्स प्रिंसेस एंड कोर्टली पॉलिटिक्स से भी पर एट द सेम टाइम राइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आज आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते आओगे दैट फॉर एनी सेक्ट एनी फिलोसफिकल स्कूल टू सर्वाइव आपको पोलिटिकल बैकिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत थी so, बुद्ध चरिता के अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग थी वो दैट वेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग सोसाइटी वेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर वेन वी टॉक अबाउट की सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दे फो फॉर द फ्लारिशिंग ऑफ सच फिलोसफिकल स्कूल्स भी पॉलिटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपको पॉलिटिकल रूलर की बैकिंग चाहिए ही होगी एंड दैट इज़ व्हाई अगेंस्ट दीज यू नो मेन स्ट्रीम थिंकर्स एंड अ नंबर ऑफ़ सब ऑल्टन स्कॉलर्स ने अपने व्यूज़ आगे रखे जहां पे उन्होंने बोला कि बुद्धिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इन फैक्ट बुद्धा इज जेन्यूनली अ पोलिटिकल फिलोसफर बोथ स्कॉलर्स लाइक यू नो गेल ओमविड कांचा इलाया इन दोनों ने ही इस व्यू को सबसे ज़्यादा आगे रखा इन फैक्ट वन कैन ऑल्सो कंपेयर बुद्धा टू प्लेटो राइट इन्होंने बोला कि जिस तरह से प्लेटो अपने एथिक्स को अपने आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करके एक कॉन्क्रीट शेप देना चाहते थे पॉलिटिक्स के फॉर्म में उसी तरह से माना जा सकता है कि बुद्धिस्ट पोलिटिकल थाट भी अपनी जो एक बुद्धिस्ट एथिक्स थी मोरालिटी थी उसको कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए अपना पोलिटिकल थाट आगे रखते हैं नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द चेंज इन दोशियो पॉलिटिकल मिल्यू सिक्स सेंचुरी बी सी जो है अब एक टर्मलशियस टाइम था इंडियन सोसाइटी के लिए भी राइट right? बहुत सारे चेंजेज यहाँ पर आ रही थे जिसके कारण देर वॉज ऑल्सो द राइज ऑफ अ मर्केंटाइल क्लास राइट मर्चेंट्स फार्मर्स वेल टू डू बिजनेस मैन जो है ये निकल के आ रहे थे एंड मोस्ट ऑफ़ दैम बिलोंग टू द वैशिया क्लास जो कि अब बहुत इकॉनमिकली मोबाइल हो रही थी साथ ही में ऑब्वियसली इफ़ यू वॉन्ट योर बिजनेस योर ट्रेड टू डू वेल तो आपको क्या रिक्वायर्ड है आपको रिक्वायर्ड है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वो एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड हो आपको कॉन्स्टेंटली फियर ना करना हो इन्वेडर्स का मरोडर्स का कोई एनिमी अटैक कर रहा है बिकॉज तो उससे आपकी प्रॉपर्टी आपका ट्रेड आपका गिल्ड सब डैमेज होता है देखो जो क्षत्रिय क्लास थी जो सेफ क्लास है उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लग गई बट हमने देखा है के पुराने उपनिषतक हिंदुइज्म के अंदर क्या था उनके अंदर प्रेवलेंट था एक टिल टूवर्ड्स ब्राह्मणिज्म एंड देफ नाव ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी उसके चलते हुए दी इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट ऑफ क्षत्रिय एंड वैश्य अब उठने लग गई एंड दैट इज वाई ये जो मूवमेंट्स है दीज वर ऑल्सो सीन एज

एंड देफो इन्होंने इस रिचुअलिज एंड एबस्ट्रैक्ट आइडिया को हटाकर एक ईजी मिडिल पाथ आगे लाने की कोशिश की विच अगेन सिट वेरी वेरी वेल विद्यू इकनोमिकली मोबाइल क्लासेस राइट तो यहां पर जैसे कि हम बुद्धिज्म जेनिज्म में दोनों में देखते हैं पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट संग बन सकते थे मंग्स पर एट द सेम टाइम देर वॉज ऑल्सो पाथ फॉर द नॉर्मल हाउस होल्ड लेटी जो की प्रेजेंट था राइट right? तो नॉर्मल जो घर चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी स्पेसिफिकली टू किया गया पाथ था ताकि उनके लिए भी एक इनलाइटनमेंट का जो आगे आइडिया है उसको पेश किया जा सके बिकॉज आखिरकार संगास को चलने के लिए क्या चाहिए इनको चाहिए डोनेशंस एंड डोनेशंस कौन देंगे यही इकोनॉमिकली मोबाइल क्लासेस जो हैं ये देंगे एंड दैट इज वाई दे ऑल्सो इनकरेज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हार्ड वर्क राइट एंड दैट इज़ वाई इनको कंपेयर भी किया जाता है टू प्रोटेस्टेंटिज्म ऑफ द ईस्ट तो जिस तरह से मैक्स वेबर एट्सेट्रा ने लेटर ऑन प्रोटेस्टेंट जो आपके एथिक्स थे राइट right? तो आपके क्रिस्टानिटी के अंदर जो प्रोटेस्टेंटिज्म का राइज हुआ इनका मानना था कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने एक मेजर बूज दी थी टू द कैपिटलिस्ट क्लास उसी तरह से ये जो न्यूली इकोनॉमिक वैश्य क्लास थी इनको बहुत ज़्यादा बूज दी थी इस प्रोटेस्टेंटिज्म ऑफ द ईस्ट ने विच वॉज योर बुद्धिज़्म जैनिज्म राइट right? इनफैक्ट जर्निज्म के अंदर हम आज भी देख सकते हैं दर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन सब जो है जैन कम्युनिटी से आते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेश बुद्धिज्म एंड जर्निज्म हैड बिन प्रोवाइडिंग इट एंड सो दैट इज वाई क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रिजेक्शन नहीं हो रही थी बट अगेन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश की जा रही थी जिसके कारण बुद्धिज़्म को ऑफ एन रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुज्म जो है ये भी बुलाया गया अब अगर आप कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑन स्टेट थे उनको देखने की कोशिश करें तो कुछ इंपॉर्टेंट के आते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ टेक्स्ट राइट तो बुद्धिज्म के अंदर ही तो जो बुद्धिस कैनन है ऑफ right? आपके अंगना सुत्ता के अंदर एक पहली फेंट प्रेजेंस ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रेक्चल थ्योरी ऑफ स्टेट जो है बुद्धिस्ट पोलिटिकल थाट के अंदर हमें देखने को मिलती है राइट जहाँ पर उनका मानना है कि जो यूनिवर्स था एक गेसियर स्टेट में था एंड जैसे जैसे चीज़ें बनने लगी वैसे वैसे जो है सोसाइटी की इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लगी इनफैक्ट कंपेरिजन आर ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन बुद्धिस्ट पोलिटिकल थाट एंड रूसों की थ्योरी वाई बिकॉज बुद्ध भी बात करते हैं कि ग्रीड फियर फाइटिंग का राइज कब हुआ विद द एडवेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एंड एंडो इस फाइटिंग इस ग्रीड को लॉ एंड ऑर्डर से रिजॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ गई थी ऑफ अ पोलिटिकल अथॉरिटी ऑफ अ पोलिटिकल फिगर एंड यही से निकल के आता है द आइडिया ऑफ महासम्मता और द ग्रेट इलेक्ट एक ऐसे इंसान जिनको लोग जो है चुनते हैं टूट देम टू गिव देम ऑर्गेनाइजेशन टू गिव देस आइडिया ऑफ पोलिटिकल अथॉरिटी तो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा था

काइंड हो प्रोटेक्टर हो आपके जो धम्मा है उसको लागू करने की कोशिश करें एंड इसी चक्रवर्तन का एक प्रैक्टिकल फॉर्म आपको देखने को मिलता है इन द रोल दैट अशोक का प्लेट राइट यही चक्रवर्तन जो है जैसे कि मैंने बताया था ना ही वॉज एट अ पर्सन हु वॉज अबव द लॉ राइट तो एक तरह से जिस तरह से लेवियाथन को बस एब्सोलूट पावर दे दी गई थी चक्रवर्तन जो है वॉज ऑब्वियसली ऑल्सो बाउंड बाय धम्मा यानी धम्मा इन्हें क्या सिखाता था कि आपने अपने प्रोटेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेजन एनी सॉर्ट ऑफ एनिमिटी एंड साथ ही में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं आपने उनको भी पनिश करना है सो वाइल बींग दिस पीसफुल नॉन वायलेंट रिलीजन दे ऑल्सो अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अगर लॉ एंड ऑर्डर आपने मेनटेन करके रखना है अगर सोसाइटी में किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन देनी है तो पनिशमेंट जो है ये भी ज़रूरी है साथ ही में द आइडिया ऑफ ऑल्सो वर्णाश्रम धर्म तो ऐसा नहीं था दैट बुद्धिज्म कंप्लीटली ब्रोक अवे फ्रॉम दिस राइट बिकॉज अगेन पॉलिटिक्स में रहने के लिए आप कंप्लीटली सोशल मूविंग्स को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं सो इवन बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट चक्रवर्तन के एक ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक वर्णाश्रम धर्म की जो मेंटेनेंस है उसको भी मानता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा गया था नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स एक और चीज बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में याद रखने की जरूरत है कि व्हाट डज़ बुद्धिज्म नाउ टॉक अबाउट वॉर राइट right? किस तरह की वॉर जो है अलाउड है किस तरह की वॉर नहीं अलाउड है क्योंकि राइचियसनेस एंड वॉर जो है पॉलिटिकल थॉट ऑफ बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हम देखते हैं एंड ऑफन टाइम्स जो है जो हमारी पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से अशोक जो है वो ज रिफॉर्म्ड रूलर पोज द वॉर ऑफ़ कलिंग एंड किस तरह से अब जो है वो एक धर्म के रात पे निकल गए राधा देन ऑन अ वॉर पाथ हाउ एवर यू ऑल्सो हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कलिंग वॉर के बाद अशोक जो है अपनी प्राइम पे थे अपनी पीक पे थे सो इट वॉज एन लाइक दैट पोस्ट कलिंग और उन्होंने वापस दे दिया लोगों को कि रखो आप अपना कलिंग रखो ख़ुद ही रूल करो नहीं नाउ फ्रॉम द फेज़ ऑफ कैप्चरिंग टेरिटरीज ही कम टू अ फेज़ ऑफ मेंटेनिंग देम एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे अगेन बुद्धिज़्म है बहुत ज़्यादा वैलिड साबित हुआ

कंटिन्यूअसली वो पीटीएसडी से सफर करते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फाइटिंग द काइंड ऑफ ट्रॉमा, द काइंड ऑफ डेथ दिस सीन अराउंड ईच अदर साथ ही में इंपॉर्टेंटली जैसे कि पहले भी बात की एथिक्स एंड धम्मा जो है सिर्फ लोगों पे नहीं बल्कि किंग के भी एप्लीकेबल बट हाउ एट द सेम टाइम बिकॉज किंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है प्रोटेक्टिंग हिज सब्जेक्ट्स तो इसका मतलब है कि जो चक्रवर्तीन है वो ऑल टुगेदर वॉर को नहीं गिव अप कर सकते पर जो वॉर है ये राइचियस रीजंस के लिए फाइट होनी चाहिए ये ग्रीड के लिए नहीं बल्कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उनकी वेलफेयर के लिए जो है सिर्फ तब लड़ी जानी चाहिए बिकॉज आखिर एट द एंड ऑफ द डे यू कांट जस्ट यू नो लेट गो ऑफ योर आर्मी अशोक ने भी जो अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं कर दिया था वाई बिकॉज फियर एक इंपॉर्टेंट डेटरेंट है अगेन आप कंपेयर कर सकते द आइडिया ऑफ वाई स्टेट्स वांट टू हैव से सर्टेन स्टेट्स लाइक इंडिया बिकॉज उनका जो एक सराउंडिंग नेबरहुड था वो इतना ज़्यादा एक तरह से फियरफुल था इतना ज़्यादा जो एक थ्रेटनिंग था कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं द न्यूक्लियर पावर है वो क्यों इंपॉर्टेंट डेटरेंस बन जाती है और यही डेटरेंस का आइडिया हमें बुद्धिज्म में भी देखने को मिलता है दैट फियर कैन बी यूज एज अ डेटरेंस जिसके थ्रू अवॉइड की जा सकती है एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टेवर अपार्ट फ्रॉमार्किकल फॉर्म ऑफ रूल वी ऑल्सो सी इंस्टेंसिस रिपब्लिकनिज्म के ना सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था इन द बुद्धिस संघाज तो बुद्धिस्ट संघम में जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डेमोक्रेटिक थी जो डिसीजन थे वो मेजोरिटी बेसिस पे लिए जाते थे तो इसको एक एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिकनिज्म दिया गया साथ ही में अपार्ट फ्रॉम महासम्मता बुद्धिस कैन जो है मैंशन करती हैं द आइडिया ऑफ महाजन सम्मता ऑल्सो राइट जहाँ पे जो लोग हैं लोगों द्वारा चुनाव किया जा रहा है ऑफ द लीडर तो एक तरह से एक ऑब्लिगेशन है लोगों पे राइट right? क्योंकि लोगों ने चुन के आपको बिठा बिठाया है मतलब आप आंसरेबल है टू द पीपल फॉर योर एक्शन ऑल्सो सो एक डेमोक्रेटिक टिल्ट जो है आपको अपने चक्रवर्तन के अंदर भी देखने को मिलता है अपने महाजन सम्मता में भी जो है देखने को मिलता है तो ये कुछ मेन एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट हैं जो कि हमें बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट की एंशंट फिलासफी के अंदर देखने को मिलते हैं अगेन समथिंग जो कि काफ़ी टाइम तक स्कॉलर्स का मानना था इग्नोर किया गया है बट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज कंटेम्प्रेरी इंडिया की अगर हम पोलिटिकल फिलासफी के अंदर और ज्यादा चर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ऐसे एंशियन सोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप और ज्यादा इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं पी को और प्रिपेयर कर रहे हैं पी ऑप्शनल के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पी का कोर्स फॉर ट्वेंटी राइट जो कि हमारा बैच वन है जिसके अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे इन दिस इंटरक्टिव फॉर्म ओनली सो एज अ फैकल्टी मैं भी आपको दिखूंगी फॉर्म आप पीपीटी फॉर्म नहीं दिस विल बी दिस फॉर्म ऑफ लेक्चर्स राइट अगेन ये जो लेक्चर्स है ये नॉन लाइव हैं इनको लेकिन क्लास से पहले ही रिकॉर्ड किया जा रहा है नॉन लाइव हमने इसलिए रखे ताकि फ्लो ना टूटे हावए इंटरेक्शन के लिए हम मंथली इंटरेक्शन सेशन रख रहे हैं साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहां पर रेगुलरली आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे साथ ही में आपको मंथली करंट अफेयर लेक्चर्स भी मिलते हैं साथ ही में अगर आप हमारा मेंटरशिप का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आप, आप हमारे सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से भी जो है मेंटरशिप ले सकते हैं देन दे विल बी वीकली टेस्ट हाफ लेंथ टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट साथ ही में आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे एंड डिटेल्ड इवेल्युएशन भी इफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम आप कॉल कर, कर सकते हैं इस नंबर पर या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं दिस वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।